भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा बसपा के नेता जय भगवान जाटव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज प्रेस वार्ता की। वार्ता में बताया कि जाटव ने सोशल मीडिया चैनल पर दिए इंटरव्यू में आपत्तिजनक टिप्पणी ब्राह्मण समाज के ऊपर की, जिससे पूरा समाज आघात है और ऐसे घृणित मानसिकता की व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर समय रहते गिरफ्तार नहीं किया गया तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर आंदोलन करने को विवश हो जाएगा। न्याय के लिए नहीं रहे हैं समाज में, इन्होंने हमेशा समय की राज्य बनाकर के रखा है, एक चित्र राज बनाकर के रखने की इनकी मानसिकता रही है। इन्होंने कभी भी दलितों का कभी भी विकास के बारे में नहीं सोचा है। ये उनकी ब्राह्मणों के प्रति घृणित मानसिकता का द्योतक है और हम पूरे ब्राह्मण समाज इस वक्तव्य की घोर निंदा करते हैं और हमारी पूरी सरकार से आग्रह करते हैं कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें और FIR करें। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज इसका पुरजोर विरोध करते हुए आने वाले समय में आंदोलन करेगा कि इनको जय भगवान जाटव को के खिलाफ FIR की जाए उनके किए हुए घृणित कृत्य के लिए। और हमारा पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के एक ही जगह में, एक प्रदेश में नहीं, सब पूरे प्रदेशों में, अन्य राज्यों में भी हम पुतला दहन करेंगे और धरने प्रदर्शन भी करेंगे अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। दर्ज की जाए, हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, DGP, यहाँ मध्य प्रदेश के ADG साइबर से को हमने कल ज्ञापन सौंपा और हमने तत्काल FIR की मांग करी है। भगवान सिंह जाटव ने जिस तरीके से सोशल मीडिया में ब्राह्मणों के बारे में दुष्कृत प्रचार करते हुए और गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, यह बहुत ही ज़्यादा अशोभनीय है और इस तरह से क्रिया करने वाले और इस तरह से समाज को दूषित करने वाले और समाज को लड़ाने वाले भगवान सिंह जाटव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। हमने सुश्री मायावती जी को भी एक ज्ञापन मेल के द्वारा दिया है और हम चाहते हैं मायावती जी से कि वह तत्काल जाटव के खिलाफ FIR कायम करवाएं और अपने संगठन से भी निष्कासित करें, अन्यथा अगर इस तरह से भगवान सिंह जाटव के खिलाफ प्रशासनिक स्तर से कार्यवाही नहीं होती है तो हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे और इनके खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए ब्राह्मण चरणबद्ध आंदोलन करेगा और इसके लिए पूरी सरकार जिम्मेदार होगी और मायावती सीधे सीधे इसके